तो हम है अमीनाबाद मार्केट में, यहाँ आपको जो सामने दिख रहा है अमीनाबाद चौक में है, मार्केट के चौक में। तो यहाँ कपड़े वगैरह मिल जाएंगे आपको, सामने आपको बुक डिपो दिखेगा, वहाँ से लाइन में अगर आप जाएंगे तो पूरा बुक की बाज़ार है, पूरा बुक मिल जाएगा। और मैं जहाँ से आया टुंडे का कबाब खा के, वहाँ पीछे आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, नॉन वेज वेज सब कुछ खाना मिल जाएगा। तो ये अमीनाबाद है दोस्तों, तो यहाँ से आप टुंडे के कबाब खा सकते हैं। दोस्तों टुंडे के कबाब की तरह यहाँ प्रकाश की कुल्फी भी फेमस है, तो अगर आप अमीनाबाद मार्केट आते हैं तो टुंडे के कबाब के साथ साथ, खरीदारी के साथ साथ प्रकाश की कुल्फी भी खा सकते हैं। अच्छी होती है, डिसेंट होती है, मैंने खाई है। पता नहीं लोगों को ज़्यादा पसंद आती होगी, मुझे इतनी नहीं पसंद आई, लेकिन फिर भी अच्छी होती होगी, आइए तो ट्राई करिए। दोस्तों अवध अपने खाने के लिए भी मशहूर था, तो मैं यहाँ टुंडे कबाबी के ओरिजिनल रेस्टोरेंट में आया हूँ और उसका लजीज खाना खाने वाला हूँ। अवध का खाना बहुत फेमस होता है, जैसे लखनवी तहजीब नज़ाकत वाली होती है, वैसे ही ये टुंडे कबाब भी नज़ाकत वाले होते हैं। चलिए टुंडे कबाब मंगाए जाए और खाए जाए, आपको भी, मैं सिर्फ आपके लिए खा रहा हूँ, बहुत टाइम से भूखा था, पूरा दिन घूम रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सफ़र हिंदुस्तान में आज हम कुछ ट्राई करते हैं टुंडे के कबाब। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और ये कबाब हमारे सामने है। लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं वो बड़े के कबाब हैं, बफेलो मीट के हैं, और राइट साइड आप देख रहे हैं वो बकरे के कबाब है। अब दोस्तों ये बकरे के कबाब के पीछे भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब वाजिद अली शाह या ऐसे ही कुछ नवाब थे जो बूढ़े हो गए थे, तब खानसामा को उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनाओ कि जिसको चबानी ना पड़े। तो खानसामा जो थे वो एक हाथ से टुंडे थे, मतलब कि उनका एक हाथ नहीं था, और उन्होंने ये कबाब बनाए जिसकी वजह से इस कबाब के नाम पड़ गया टुंडे कबाब। और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मसाले इसमें मिलाए गए जिसकी वजह से ये इसमें टेस्ट आता है और ये कबाब खाया जाता है। मुँह में रखते ही ये कबाब बिल्कुल घुल जाता है। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं और लखनऊ आते हैं तो आपकी लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों बढ़िया लजीज कबाब थे, मज़ा आ गया खाने का। तो मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ टुंडे कबाब ओरिजिनल कहाँ पे अमीनाबाद मार्केट के अंदर है, बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से है, और थोड़ा यहाँ के अंदर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, दो या तीन फ्लोर का इन्होंने बना रखा है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और लजीज टुंडे कबाब जो नवाब खाते थे वो आप भी खा सकते हैं। अब दोस्तों बता दूं कि साथ में यहाँ पे एक्वेरियम का बड़ा अच्छा सा सेटअप है, फैमिली के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट है, सिर्फ कबाब ही नहीं बहुत कुछ खाने को यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहले आ चुकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं गुलजार साहब आए हैं, दिलीप साहब आए हैं, फिर आप देख सकते हैं कपिल देव आए हैं, आमिर खान आए हैं, गोविंदा आए हैं, बहुत बहुत बड़े एक्टर सलमान खान आए हैं, सनी देओल आए हैं, सब यहाँ पर आके गए हैं, विनोद खन्ना, नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर। तो दोस्तों ये सब हस्तियाँ भी यहाँ इनके मालिक से आकर फ़ोटो खिंचवा के गई हैं, देख सकते हैं हर कोई दीवाना है टुंडे के कबाब का। तो ये है अमीनाबाद मार्केट के अंदर टुंडे कबाबी, हमने जो लजीज जायका लिया, अमीनाबाद मार्केट के अंदर फेमस ही है। तो आइए और खाइए, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आप पैक भी करवा सकते हैं, मैंने पैक करवा लिया है, जाना तो अहमदाबाद है, फ्लाइट है अभी मेरी, लेकिन देखते पहुँचते हैं नहीं, फिर भी मैंने पैक करवा लिया है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते